आज सिरसा के साथ साथ पूरे देश के अंदर माननीय सोनिया गांधी जी और यहाँ हरियाणा की अध्यक्षा शैलजा जी के आदेश से नीट और जेई की जो परीक्षा है उसके विरोध के अंदर तमाम कांग्रेस के साथीगण सभी कांग्रेस के प्रकोष्ठ आज धरना प्रदर्शन पे हैं, क्योंकि जब हरियाणा के अंदर 90 व्यक्तियों को जो कि विधायक हैं उनको एक साथ 500 व्यक्तियों की जगह में हम नहीं बिठा सकते, तो लाखों के लाखों बच्चे कैसे बिठाएंगे हम। और आज जब कोरोना महामारी के अंदर 75,000 लोगों की एक दिन के अंदर जब वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो किस प्रकार से लाखों बच्चों को वो बिठाएंगे, किस प्रकार से सुविधाएं देंगे। जिस प्रकार से जब विधायकों की बात है, जब इतने विधायकों को इतनी सुविधाएं मिलती है और इतनी जांच के दायरे के अंदर झोंके निकले हैं, उसके बावजूद 9 विधायक हमारे हरियाणा के अंदर पॉजिटिव पाए गए। और जो सेशन चलना चाहिए था 4 दिन का था, सबसे पहले 3 दिन का, 3 दिन से 2 दिन का, 2 दिन से 1 दिन का, 1 दिन से 2 घंटे पे आ चुके हैं। तो आप बताइए कि बच्चे पेपर कैसे देंगे। तो इसलिए हमारा विरोध है कि इस परीक्षा को आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए और जब स्थितियां साधारण हो जाए तब ये एग्जाम होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में ये जेई नीट की परीक्षा है इसको रद्द कराने के लिए हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। और क्योंकि सरकार कहती है कोरोना है, कोरोना बढ़ रही है, तो कोरोना बढ़ रही है तो ये बच्चों के पेपर क्यों लिए जा रहे हैं। इन बच्चों में कोरोना नहीं होगी, लेकिन सरकार हर धरनी की सरकार है, ये गूंगी पैरी सरकार है, इस पर कोई असर नहीं है। चाहे वो पीटीआई की बात उनको उठा रखा है, चाहे व्यापारी आज कितने दुखी है, व्यापारी रो रहे हैं, किसान की बात लो किसान दुखी है, इस राज के अंदर सब दुखी है। और कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है ये जो जेई नीट की परीक्षा है इसको रद्द करना चाहिए ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन सरकार तो कहती है जब ये कोरोना शुरू हुई तब हमारा भारत जो है 91 नंबर पे था और 500 आदमी बीमार थे, आज 34 लाख से भी ऊपर चले गए हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कोरोना का कोई ध्यान नहीं है, ये तो उल्टे कामों में लगे हुए हैं, जनता को परेशान करने में लगे हैं। कोरोना की न तो कोई दवाई बनी अब तक, न ही कोरोना का ये था। बस जो है बस के अंदर 52 आदमी जाते हैं, वहाँ कोरोना नहीं होती, और काम होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होती, लेकिन व्यापारियों को तंग करने के लिए, इन बच्चों को परेशान करने के लिए ये परीक्षा ले रहे हैं। जिद कर रखी उन्होंने भी हम परीक्षा लेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध।